आप ये देख रहे हो पीछे, ये पूरा बांधवगढ़ फोर्ट है। अब मैं आपको बता दूं कि बांधवगढ़ को नाम कैसे दिया गया। अब मैंने जो ऑनलाइन पढ़ा है वो ये है कि भगवान श्री राम जी जब लंका पर जीत करके आए थे तो उन्होंने इस एरिया का कुछ हिस्सा अपने छोटे भाई यानी कि लक्ष्मण जी को दिया था। बांधव मतलब ब्रदर, गढ़ मतलब फोर्ट, तो इस जगह को ऐसे नाम दिया गया बांधवगढ़। सो हेलो गाइस, तो ये है वन मोर मॉर्निंग इन मध्य प्रदेश। राइट नाउ द टाइम देख लीजिए, इट इज़ 5:40। और बांधवगढ़ का आपको बता दूँ, इसे अनाउंस किया गया था एज नेशनल पार्क इन द ईयर 1968। और बांधवगढ़ नेशनल पार्क फैला है लगभग 1150 स्क्वायर किलोमीटर्स में। तो बस हो जाइए तैयार दिन की शुरुआत एक कॉफ़ी के साथ। इस वाले व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बांधवगढ़ नेशनल पार्क की टाइगर सफारी। बस थोड़ी ही देर में मेरी जिप्सी आती होगी टू पिक मी अप, फिर हम जाएंगे मेन गेट और वहाँ से हमारी शुरू होगी। मैं आपको बता दूँ, मैंने लिया है कोर गेट ताला, तो वहाँ से हमारी सफारी शुरू होने जा रही है और होपफुली टाइगर भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज। तो करंटली मैं हूँ इस होटल की रिसेप्शन पर, आप देख लीजिए ये होटल का रिसेप्शन है द मेन ऑफिस। इससे पहले मैंने एक व्लॉग बनाया है अबाउट द बांधवगढ़ नेशनल पार्क ट्रैवल गाइड, उसमें सब डिटेल्स दी है, मैं कौन से होटल में रहा, हाउ टू रीच, बेस्ट टाइम टू विजिट, मैंने सब दिया है। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो वीडियो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो ब्रेकफास्ट का सिस्टम है तो मैंने भी यहाँ से ब्रेकफास्ट होटल से पैकअप कराया है, वो व्लॉग देख लीजिए, उसमें सब डिटेल्स हैं अबाउट दिस। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर सिर्फ जियो का थोड़ा बहुत नेटवर्क है और BSNL यहाँ पर चलता है, अदरवाइज मेरा वोडाफोन है बिल्कुल बंद है, नो नेट नो कॉलिंग नथिंग। बट यहाँ पर जो शांति है, अगर आप यहाँ देखोगे ना, मैं थोड़ा आपको इस साइड आके दिखाऊँ, ये देखिए पूरा जंगल ही जंगल आपको यहाँ नज़र आएगा। तो मेरा ब्रेकफास्ट करंटली पैक हो रहा है एंड आई गेस देन वी आर गुड टू गो। तो वी आर ऑल सेट, ये देखिए ये मेरी आ चुकी है जिप्सी। मैं आपको बता दूँ यहाँ से होटल से पिकअप एंड ड्रॉप इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको सिर्फ वहाँ पर काउंटर पे इन्फॉर्म करना है कि आपके कौन से जोन का एंट्री है। तो मैं जिप्सी आ चुकी है, वी आर ऑल सेट, चलिए जल्दी से चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अब आप पीछे ये देख रहे हो, दिस इज़ द मेन बुकिंग काउंटर। तो अगर आपने ऑनलाइन परमिट निकाला है, वेबसाइट का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ऑनलाइन परमिट निकालिए। ऑनलाइन परमिट फॉर फुल जिप्सी, उसकी कॉस्ट है लगभग 1550 यानी कि 1550। आपने ऑनलाइन परमिट निकाल लिया, फिर आपको यहाँ पर आना है। जिप्सी का कॉस्ट है 2500 जो आपको कैश पे करना है, प्लस गाइड का अराउंड 500, तो लगभग 3000 ये हो गए, प्लस 1500, लगभग 4500 की आपको पड़ेगी एक जिप्सी। कॉस्ट पर पर्सन वाइज नहीं है, इट इज़ फॉर द जिप्सी। चाहे दो लोग जाएं तो भी कॉस्ट उतनी है, चाहे छः जाएं, बिकॉज मैक्सिमम 6 आर अलाउड, 6 जाएंगे तो भी कॉस्ट 4500। यहाँ पर सब कुछ डिटेल्स वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे रखे हैं, बाकी सब डिटेल्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यहाँ पर कैंटर भी है, कैंटर यानी कि बस, दो कैंटर अवेलेबल हैं, पर सीट विल कॉस्ट यू अराउंड 550 रुपीज़। उसमें आई गेस अभी भी टिकट अवेलेबल है, बट कोर जोन की आई वुड एडवाइज़ यू, कोशिश कीजिए पहले ही बुकिंग कर लीजिए। अगर आपने डायरेक्ट बुकिंग की है, यहाँ पर कार पार्किंग अवेलेबल है, अपनी कार पार्क कीजिए, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए, आधार कार्ड इज़ मैंडेटरी, वो दिखाइए, आपको जिप्सी एलोकेट की जाएगी और आपको गाइड एलोकेट किया जाएगा, बस और क्या, देन यू आर गुड टू गो। मेरे साथ यहाँ पर मोहन दादा हैं, मेरे ड्राइवर। दादा आप रेडी हैं? जी सर। जी सर, इनसे आप कुछ भी पूछो ये बोलते हैं जी सर। मेरे को इनकी ये आदत बहुत अच्छी लगती है। चले दादा। जी सर। आइए। जी सर।
तो आप पीछे ये देख रहे हो, ये है हमारा मेन गेट ताला एंट्री का। यहाँ पर तीन कोर जोन्स हैं मेन, ताला, खितौली प्लस मगदी। यहाँ पर आप इस साइड देख लीजिए, नाउ ऑल द जिप्सीज आर रेडी ताला जोन के लिए। सफारी के टाइमिंग्स मैं आपको जल्दी से बता दूँ, इट इज़ फ्रॉम मॉर्निंग का जो है 6:45 टू लगभग 11:30, 11:45, और जो इवनिंग का है इट इज़ फ्रॉम 3 to 5:30 या 6। सो वी आर ऑल सेट, ये सब बता दिया मैंने आपको, बस जिप्सीज पूरी तरह से तैयार हैं, एक बार एंट्री मिल जाए। दादा बता रहे हैं कि टाइग्रेस जो है विथ 4 cubs वो मिलेगी शायद खितौली में, बट मैं एंटर कर रहा हूँ ताला जोन से। लेट्स सी, कोशिश पूरी होगी, देखते हैं। दिस इज 6:45, नमस्ते दादा। 6:45 हमारी सफारी होने जा रही है शुरू, और आपको बता दूँ एवरी वेडनेसडे कोर एरिया इवनिंग क्लोज रहता है, सो वाइल बुकिंग्स इस चीज़ का ध्यान रखिए। एंड जस्ट वन रिक्वेस्ट, वेन वी आर कमिंग टू नेशनल पार्क, प्लीज़ गंदगी मत फैलाइए, स्पेशली प्लास्टिक्स प्लीज़ अवॉइड। जा रही है टाइगर पेट्रोलिंग के लिए। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू सो मच। देखिए ये क्या एक्सपीरियंस है, देखो टाइगर मिले ना मिले वो चीज़ अलग है, बट नेचर के नज़दीक आके और बीइंग अ मुंबई कर भाई, ये सब इतना पार्क देखने को मिलता है ना, मज़ा आता। जितनी भी जिप्सी है ना अभी पार्क के अंदर, सब एक झलक के लिए तरस रही है। देखो पता है क्या होता है यहाँ पर, पता है क्या होता है, जितनी भी जिप्सी मतलब एक दूसरे को क्रॉस करती है, सब रुकते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि कहाँ दिखा क्या दिखा। जो एलिफेंट पेट्रोलिंग कर रहे हैं उनको कुछ दिखा गया, टाइगर जो रेंजर घूम रहे हैं बाइक पर उनको कुछ दिखा गया, सब एक दूसरे से कम क्रॉस करते हैं, चेक करते हैं, बट फिर कुछ नहीं मिलता, फिर निकल पड़ते हैं। जितनी जिप्सी, आई गेस राइट नाउ मोर देन 70 जिप्सी हैं पार्क में, मोर देन, सब तड़प रहे एक झलक मिल जाए, पर नहीं मिल रही। आ गए तो अब बजे है लगभग 9, टाइगर फिलहाल अभी किसी भी जिप्सी को आप देख लीजिए, किसी भी जिप्सी को अब तक स्पॉट नहीं हुआ है। तो ये है सेंटर पॉइंट, छोटा सा हमने ब्रेक लिया है, यहाँ पर भजिया है, मैगी है, ऑमलेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर ऑप्शंस है। इनकेस अगर आप अपने होटल से, देखो ब्रेकफास्ट आई एम श्योर कॉम्प्लीमेंट्री होगा, इनकेस अगर आप कैरी नहीं कर रहे हो तो यहाँ पर भी आपके पास अलग अलग ऑप्शंस हैं, बट ये बहुत सही चीज़ है, आप फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ आइए। मैं तो सोलो ट्रैवलर हूँ, खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर आइए, बोनट पे रखिए और बस ब्रेकफास्ट एंजॉय कीजिए। मैं भी अपने होटल से ब्रेकफास्ट लाया हूँ, तो थोड़ी बहुत पेट पूजा करते हैं और एक बार फिर से कोशिश करेंगे। तो ब्रेकफास्ट तैयार है, अब जल्दी से मुझे आपको ब्रेकफास्ट दिखाने दीजिए कि यहाँ पर ये देखिए होटल ने क्या क्या दिया है। यहाँ पर सैंडविच है, ये बॉइल्ड एग, ये बनाना, ये जैम हो गई प्लस केचप वगैरह, ये रही माजा, और ये रहा मिक्स्ड पराठे, मिक्स स्टफ पराठे। बस भाई और क्या चाहिए, नेशनल पार्क के बीच ऐसा ब्रेकफास्ट मिले तो भाई मज़ा ही अलग है। अभी हम यहाँ पर एक नदी के पास हैं, यहाँ पर एक कॉल सुनाई दी है, होपफुली देखते हैं। एक चीज़ आपको और बता दूँ, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में आपको फुल डे सफारी का भी ऑप्शन दिया गया है, उसकी स्टार्टिंग होती है सुबह 6:30
और शाम को टिल 6 o'clock आप पूरे दिन सफारी कर सकते हैं। यस, मैक्सिमम 4 people आर अलाउड और उसकी कॉस्ट है अराउंड 70,000। और अगर आप वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं, यू लाइक टाइगर्स, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बांधवगढ़ के बारे में पढ़िएगा, अबाउट 2 tigers, सीता एंड चार्जर। कल मैं एक बुक पढ़ रहा था स्पेशली ऑन चार्जर, फ्रॉम 1994 टू 1998 उस मेल टाइगर ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में लगभग 8 साल राज किया। अबाउट चार्जर आप पढ़िएगा ज़रूर। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने होटल और यहाँ हमारी टाइगर सफारी का व्लॉग होता है द एंड। अनफॉर्चुनेटली देखिए टाइगर तो नहीं मिला है, कोई बात नहीं, देखो टाइगर दिखना ना दिखना वो मेरे हाथ में नहीं है, जो मेरे हाथ में फुल कंटेंट वो मैंने आपको दिखा दिया। तो अगर व्लॉग पसंद आया रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो, अगर ये हमारी पहली मुलाकात है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अब आपके सामने टाइगर सफारीज बैक टू बैक आती रहेंगी। और इस कंटेंट को शेयर ज़रूर कीजिए, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल है कुछ भी तो नीचे कमेंट कर सकते हो। और जैसा मैंने आपसे कहा बांधवगढ़ की मैंने ट्रैवल गाइड पूरी बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है जिसमें सब डिटेल्स है, हाउ टू रीच, बेस्ट होटल्स वगैरह वगैरह सब डिटेल्स मैंने उसमें दे रखी है। अब मैं आपको बता दूँ, मैं यहाँ से बस चेकआउट करके अब मैं जाऊँगा यहाँ से सतपुरा, मेरा प्लान ये है, उसका भी व्लॉग आपके सामने बहुत जल्द आएगा। ठीक है, बस इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवल करते रहिए मेरे साथ डिजिटली। दिस इज़ डुलेश साइनिंग ऑफ फ्रॉम 200 journeys। मज़ा आ गया, बहुत कुछ देखा, सिर्फ टाइगर नहीं देखा, कोई बात नहीं। अगर आपको टाइगर देखने का शौक है, इफ़ यू आर क्रेजी अबाउट इट, 2-3 safari बुक कर लीजिए, आई एम डैम श्योर आपको टाइगर ज़रूर दिख जाएगा। सो दिस इज़ डुलेश सेइंग गुड बाय फ्रॉम बांधवगढ़।